40 फीट लंबाई है इनकी कब्र की, तो मैं अभी आपको ज़्यारत करवा देता हूँ। बहुत थक गया मैं, असल में मैं ना रात सोया भी नहीं था। बहुत खुश नसीब हूँ मैं, मुझे पहुँचते कितना टाइम लगा इस्तंबुल यानी काफ़ी से लेकर यहाँ तक मज़ार पे जा सकते हैं, जो कि एशियन साइड पे है, मैं अभी यूरोपियन साइड पे हूँ। अभी यहाँ से देखते हैं कितने पैसे काटते हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रज़ा अली तुर्की इस्तंबुल से और आप देख रहे हैं रज़ा अली फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। इस वक्त मैं हूँ यानी काफ़ी मेट्रो स्टेशन में, ठीक है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के मज़ार में, जो पैगंबर है। यहाँ से मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि इस्तंबुल से अक्सर आए यानी काफ़ी से आप कैसे हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर जा सकते हैं, जो कि एशियन साइड पर है, मैं अभी यूरोपियन साइड पर हूँ। तो ये यानी काफ़ी का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से M2 ग्रीन लाइन जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमने जाना है लेवेंट जाके, तो फिर आगे से आपको जो है ना मैं बताऊँगा। अभी मैं कार्ड रिचार्ज कर लेता हूँ, तो साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरा एंड तक देखना है। कभी भी आप इस्तंबुल में आएँगे या जो लोग इस्तंबुल में रहते हैं, तुर्की में कहीं भी रहते हैं, यहाँ से यानी काफ़ी से कैसे जाया जा सकता है हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के मज़ार में। यहाँ से हमने लेनी है ट्रेन M2 ग्रीन लाइन। अभी मैं इधर कार्ड रखता हूँ, देखता हूँ कितने पैसे हैं इसमें। इसमें 18 लीरा है, तो 18 लीरा से जर्नी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने पैसे लगते हैं आगे तक। तो व्यूअर्स, ये यानी काफी का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से 3 ट्रैक जाते हैं, ठीक है। एक इस साइड पे ये रेड लाइन है, ठीक है, ये अतातुर्क एयरपोर्ट की तरफ जाती है। और वो बिल्कुल बैक साइड पे आप देख सकते हैं, वो है मरमराए, जो गिब्जे की तरफ जाती है, सिबिहा कोकचन एयरपोर्ट की तरफ जाती है एयरलाइन। तो हमने जाना है ग्रीन लाइन पे। हमने जाना ये ग्रीन लाइन M2, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे लेवन। अब यहाँ से देखते हैं कितने पैसे काटते हैं। 350, 3.5 लीरा उन्होंने काटे हैं। 3 लीरा 50 क्रूश यहाँ से कटे लेमंट जाने के लिए। तो इधर से आपने आना है, वो जो सामने आप देख रहे हैं मरमराए स्टेशन है, उस तरफ नहीं जाना है आपने। ये हाजी समान की तरफ जो लाइन जाएगी ग्रीन लाइन, इस तरफ से जाना है। तो यहाँ से हम बाहर निकले हैं और इस तरफ को जाना है बैक साइड से, वो सामने स्टेशन है, वहाँ से हम बस लेंगे। तो ये बस स्टेशन है, ठीक है, जहाँ से हमने बैठना है। उस तरफ जो है मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से निकल के इस तरफ आना है। ये बिल्डिंग आप याद रखिएगा, इसके बिल्कुल अपोजिट जो है ना स्टेशन है। तो ये बस आ गई है 121A। अरे कटे हैं 7 लीरा। हम एशियन साइड पे हैं और ये यूरोपियन साइड पे भी जाएगी बस, ठीक है। तो इसलिए पहले जो ट्रेन का किराया था वो 3.5 लीरा था, इसका 7 लीरा किराया, ठीक है। वो एशियन साइड पे जा रहे हैं, इसकी वजह से ये इसका किराया ज़्यादा है। तो हम यहाँ से काबा जेक जा रहे हैं, ठीक है। स्टॉप का नाम है काबा जेक, वहाँ से उतरना, वहाँ से हमने एक बस और चेंज करनी है, तो सीधा हम जो है ना पैगम्बर यूशा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। आपको आगे चल के एशियन यूरोपियन ब्रिज भी दिखाते हैं, काफ़ी बड़ा ब्रिज है व्यूअर्स। तो ये ब्रिज शुरू हो गया, हम ये यूरोपियन साइड से एशियन साइड पे जा रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ब्रिज है ये। जी बस तो ये हम आ गए हैं बाहर स्टेशन पे। ये बस का नंबर आप देख सकते हैं 121A, ठीक है। इसने हमें उतारा है कावा जैक, जहाँ पे होता है ना ये जगह आप देख लें, याद रखिएगा। जी बस तो ये हमारी बस आ गई है 15A, इसमें बैठना है। ने 250 काटे हैं 2 लीरा 50 क्रोश। जी व्यूअर्स तो ये स्टॉप है, यहाँ पे उतारा है बस ने और यहाँ से अभी ऊपर की तरफ जाना है। व्यूअर्स तो जहाँ पर आपको बस उतारेगी वहाँ से 5 मिनट की वॉक पे है मज़ार शरीफ। तो अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप उनको किसी को भी ड्राइवर को या किसी कोई साथ बैठा हो पैसेंजर उससे भी पूछ सकते हैं कि सिर्फ आप उनको इतना कहें कि पैगंबर यूसुफ़ नहर दे, ठीक है, पैगंबर यूसुफ़ नहर दे, वो आपको बता देंगे, ठीक है। नहर दे का मतलब होता है कहाँ है। तो ये मैं पहुँच गया हूँ, ये आप देख सकते हैं पीछे, अंदर जाके आपको जो है ना ज़्यारत करवाता हूँ। तो बारिश भी शुरू हो गई, जब मैं घर से निकला था तो धूप थी बहुत, सूरज निकला हुआ था, तो बारिश अभी बहुत हो रही है। तो खैर कोई बात नहीं, पहुँच गए। बाजार लगा हुआ है, सामने एंट्रेंस है। बहुत थक गया मैं, असल में मैं ना रात सोया भी नहीं था, प्लान किया था यहाँ पे आने का, ठीक है, तो मैं सोया भी नहीं, तो थकावट भी बड़ी हो गई है ना सोने की वजह से। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि अल्लाह पाक जो है ना अपने नबी पैगंबरों की जो है ना ज्यारतें करवा रहा है। बहुत खुश नसीब हूँ मैं, रियली बहुत खुश नसीब हूँ। अल्लाह ताला ने उमरा की शहादत भी बख्शी और सहाबा कराम के मज़ार को देखा और यहाँ पर पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं पहुँच गया हूँ। तो मेरे ख्याल से ये बंद है, मैं कैमरा थोड़ा सा आगे करके आपको दिखा दूँगा। ये मज़ार की बैक साइड है, ये देख सकते हैं, ये भी बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए माशाल्लाह क्या बात है, ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ पे। तो
ये हज़रत यूसा अलैहि सलाम के नाम की जो है ना मस्जिद है। व्यूअर्स, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ मुझे पहुँचते कितना टाइम लगा है, इस्तांबुल यानी कापी से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लग गया और पैसे कितने लगे यहाँ तक पहुँचते हुए। साथ साथ मैं आपको दिखाता भी गया हूँ। सबसे पहले यानी कापी से मैंने ट्रेन ली लेमट के लिए, उसके 3.5 था लीरा, 3.5 लीरा। उसके बाद मैंने बस ली, बस से मैं एशियन यूरोपियन साइड से एशियन साइड पे आना था, ठीक है, उधर मेरे लगे 7 लीरा, 7 लीरा मेरा वो लगा। उसके बाद मैंने बस फिर ली एक, तो 2.5 लीरा यानी कि 2.50 लीरा मेरे वो लगे। ये तकरीबन 13 लीरा जो है ना किराया, टोटल मेरा किराया जो लगा 13 लीरा, 1.5 घंटे में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अगर आप वहाँ से टैक्सी लेते हैं यहाँ तक, टाइम थोड़ा कम लगेगा, घंटा लग जाएगा, लेकिन किराया जो आपका ना 200 से 300 किराया आपका बन जाएगा एक साइड का। अभी मैं आया हूँ, एक साइड का मेरा 13 लीरे, 13 लीरे मेरा किराया लगा एक साइड का, जाते हुए भी सेम वही किराया लगेगा। ठीक हो गया। ये हज़रत यूशा बिन नून अलैहि सलाम का मज़ार है और ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये इधर मज़ार है। तो इनकी जो कब्र मुबारक है, उनकी जो लंबाई है वो 40 फीट लंबाई है इनकी कब्र की, तो मैं अभी आपको ज़्यारत करवा देता हूँ। ये कब्र मुबारक है इनकी, अभी इन्होंने बंद किया हुआ है दरवाज़ा, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जितनी आपको ये लेंथ नज़र आ रही है ना, ये इनकी कब्र मुबारक है। ये जो ग्रिल लगी हुई है, जंगला सा लगा हुआ है ना, ये इनकी कब्र मुबारक है। तो इसकी जो लंबाई है 40 फीट लंबाई है। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये ज़्यारत कर सकें। कई लोगों को पता ही नहीं है कि हज़रत यूशा अलैहि सलाम का मज़ार भी है, किधर है, ठीक है, कई लोगों को पता ही नहीं है। तो आपको मैंने पूरी डिटेल से बता दिया है कि किस तरह से इस्तांबुल सिटी सेंटर से लेके यहाँ तक आना है और कितना किराया लगना है, पूरी डिटेल आपको मैंने बता दी है। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, स्क्रीन पे आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी नज़र आ रही होगी। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके माल जान औलाद इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।